हिंदू धर्म में सब लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या रामायण और महाभारत काल में भी मंदिर होते थे, या वैदिक ऋषि अपने आश्रम में ध्यान करते थे, और आम लोग क्या घर में ही पूजा अर्चना करते थे? क्या ब्रह्मानिष्ट लोग भी पूजा अर्चना करते थे? क्या रामायण काल में मंदिर होते थे? तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। राम का काल आज से 7129 वर्ष पूर्व था, अर्थात 5114 ईस्वी पूर्व। राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। इसका मतलब ये है कि उनके काल से ही शिवलिंग की पूजा की परंपरा रही है। राम के काल में सीता द्वारा गौरी पूजा करना इस बात का सबूत है कि उस काल में भी देवी देवताओं की पूजा का महत्व था और उनके घर से अलग पूजा स्थल होते थे। महाभारत में दो घटनाओं में कृष्ण के साथ रुक्मिणी और अर्जुन के साथ सुभद्रा के भागने के समय दोनों ही नायिकाओं द्वारा देवी पूजा के लिए वन में स्थित गौरी माता यानी माता पार्वती के मंदिर की चर्चा है। इसके अलावा युद्ध की शुरुआत के पूर्व भी कृष्ण पांडवों के साथ गौरी माता के स्थल पर जाकर उनसे विजयी होने की प्रार्थना करते हैं। देश में सबसे प्राचीन शक्ति पीठों और ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है। इन सभी का समय समय पर जीर्णोद्वार किया गया। प्राचीन काल में यक्ष, नाग, शिव, दुर्गा, भैरव, इंद्र और विष्णु की पूजा और प्रार्थना का प्रचलन था। बौद्ध और जैन काल के उत्थान के दौर में मंदिरों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा और इस काल में राम एवं कृष्ण के मंदिर भी बनाए जाने लगे। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि ज्वाला जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।